फ्रेंड से एक दिन पहले के मनाजिर देख लेंगे। आप आएंगे कैसे? आप कराची कैसे आ रहे? होटल पे भी थी मनीष। ये मुझे वापस करना, गाइडों के नाम और नंबर, ये वाले जो नाम है ना, सिर्फ यही जाएंगे, ठीक है? कार्ड का काम कहाँ तक पहुँचा? होस्टल में पढ़ रहे हैं भाई। सब लोग मदारी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और हमारी ऑफिस में आज जो है ना, लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं सिर्फ मदारी के इवेंट के अटेंड करने के लिए। सॉरी, ये देखिए हमारे बिलाल भाई है, से हमारे साथ शामिल है, अब्बास भाई जीबी जीबी से हमारे साथ, दिल की घूसा से हमारे साथ आए, और वो देखे आदिल भाई साहिवाल से हमारे साथ शामिल है, और पीछे खाली टोपी में देख रहे आप नूरियाबाद से लोग, लोग नौकरियां तेल करके स्टडीज दिए, बच्चे के पेपर, इसने अपने छोटे बच्चे के पेपर, ये बैठा है मनीष मोबाइल फोन पकड़ के, इसने अपने बच्चों के पेपर, देश के बच्चों का उर्दू का पेपर कैंसिल करा के बैठा। ओके अमन भाई, सी यू टुमारो। तो सब छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह हाफिज। अबे हर कोई बजा रहा है, ये मंदिर में घंटा, ये सीटें बना रहे हैं, आप लोगों ने लास्ट मोमेंट जो बुकिंग्स कराते हो ना आप लोग, ये बेचारा चेक करो। Guys, we are at location, और सब देखें, क्लाइंट वेट कर रहे हैं हमारे, सारे रेडी हुए हुए हैं, और हमारी बसेस भी रेडी हैं, बसेस भी रेडी हैं। गाइस, नाश्ता वाश्ता कर लिया और हम निकलेंगे, लेट्स गो फॉर मदारी। आई एम सो एक्साइटेड। मनीष, हाउ आर यू फीलिंग मनीष? क्या इस वक्त गर्मी हो रही है और काम हो जाए, इवेंट इंशाल्लाह सक्सेस हो, पैसा ही पैसा होगा, मगर बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। खुशी हो रही है आपको मदारी में? आगे रास्ते में थोड़ी सी ट्रैफिक एक्सपेक्टेड है, तो प्लीज बी पेशेंट। ओके गाइस, तो अभी हमने एक शॉर्ट स्टॉप लिया है, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बॉयज़ ने ऐसा डांस किया है ना भाई, लिटरली नॉट कमिंग स्टॉप, और मुझे नहीं लगता कि कोई और बस वालों ने इतना इन्जॉय किया होगा ये एक घंटे में, और एक दो घंटे हुए आई गेस। और अभी जो है ना, हमने एक शॉर्ट स्टॉप लिया है विंदर से थोड़ा सा पहले, क्योंकि रास्ते वगैरह का मसला है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पहले विंदर से स्टॉप किया। अभी खाना वाना खाएंगे, रेस्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर हम निकलेंगे आगे। एक आप क्या कहते हैं, नूर को कॉल करें, फिर आपको पता चलेगा विंदर के क्या हालात हैं। अबे उधर मसला नहीं है विंदर, जानू आगे सब खुल गया, सुमियानी पहुंच गया है, जुनेद सुमियानी पहुंच गया है, हमारे वाली गाड़ी भी निकल गई, कह रहे हम निकल गए, हमारा सब निकल गया। हां सब निकल। हां भाई फंसी, क्या सीन है? तो गाइस सारे रास्ते खुल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत 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 टेंशन में थे, बहुत मुश्किल में थे, सबका मुंह उतरा हुआ था, यकीन करो ऐसे लगे हुए थे जैसे अभी किसी की वफात हो गई है। तो अभी जो है ना, सब रेडी हो गए, हम अभी निकलेंगे कुनमलीर के लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते खुल गए, अभी जो है ना आप टेंशन फ्री है सब। हमारी बस रुकी हुई है, तो हम जब तक ना सैया चैलेंज करते हैं। यस, रिकॉर्ड हो रहा है, स्टार्ट किससे करें? सेफ से। सैया को लकवा हो गया। सैया फाइनली गाइस, हम लोग लोकेशन पर पहुंच गए हैं, और मैं आपको लोकेशन के पहले तो एसेट्स दिखाता हूँ, ये खूबसूरत, कितना खूबसूरत सेटअप हुआ है।
फाइनली पहुंच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सेटअप लग रहा है। मैं आपको अभी दूर से दिखाता हूँ, फिर जाके अंदर जाके बहुत प्यारा सेटअप है, फिर अंदर जाके अच्छे से आपको सेटअप दिखाऊंगा। आगे यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं, प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट से हमने इन लोग को यहाँ बुलाया है और वो हमारे देखिए हमारे सेलिब्रिटीज भी आए हुए, हमारे सेलिब्रिटीज ये करते हुए, हाँ देखिए हमारे सेलिब्रिटीज भी आए हुए, इनको हमने प्राइवेटली फ्लाई एमिरेट्स की फ्लाइट से हमने इनको यहाँ बुलाया है, सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और जो ये भी हमारे साथ, सर कैसा रहा सफर आपका? एक शेर में बयान करना चाहूंगा, मेरी मोहब्बत तेरे पैरों तले रो गई अब्बा काओ। अच्छा फ्लाइट में जो ना छोटा वाला केक मिला, इसलिए मैं थोड़ा ना सॉरी भाई बात है, लेकिन अभी एंजॉय करवाएंगे। यस इंशाल्लाह हम गड़गड़ करेंगे, बाकी लोग खाना खाने जाए, शादियों वाली वीडियो बना लोगे जब। देखो जो मांगी जाते कुछ सब सब
Just look at this. Guys, जिस चीज के पैसे है ना, कॉन्सर्ट को भी चलो एंजॉय कर लिया, सब चीजों को एंजॉय कर लिया, बट जिस चीज के जो पैसे है, असली पैसे है ना, वो ये है, ये भी है। क्या तो सनराइज होने वाला है, खूबसूरत। हाँ जी, तो गाइस फ्रेश वगैरह होकर सब रेडी हो गए हैं, ठीक है, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, और यहीं तक था हमारा सफ़र। अभी हम वापस घर के लिए जाएंगे। अगर बीच में कंफर्म हो गया कि हमें गोल्डन बीच जाना है या प्रिंसेस ऑफ होप स्टॉप करना है, तो हम वहाँ स्टॉप करेंगे और फिर वहाँ के आपको शश के दिखाएंगे, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे घर। पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बड़े अच्छे से हो गई, इवेंट बड़े अच्छे से हमारा सारा हो गया, अभी तक का यहाँ तक का हो गया, मतलब सुबह हो चुकी है और बस अब यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे, अल्लाह वो भी हमारा सफ़र सारा बेहतर रहे, कराची तक पहले से पहुँच जाए। लेकिन एक पॉइंट वो आ गया था जहाँ हमने सोच लिया था कि अब तो ये नहीं होने वाला, ये परफॉर्मेंस इवेंट नहीं होने वाला। साढ़े सात तक कोई आसार नहीं थे कि कोई यहाँ आ जाएगा, और इवेंट की ये खबर भी आ गई थी कि भाई हम गाड़ियाँ वापस लेके जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं कराची। और मैं असल में एक दिन पहले ही आ गया था सारा यहाँ पे सेटअप वेटअप कराने के लिए, तो पूरी जगह सज चुकी थी जो आपने वीडियोस में देखी भी होंगी, और यहाँ था कोई भी नहीं, मैं अकेला ही था बस। तो मैं सब देख के बोल रहा था, मैंने कहा यार ये क्या, फिर मैंने कहा सारा एक दफ़ा सेट करके एटलीस्ट एक पिक्चर तो लूँगा कि यार ये कह सकूँ कि यार इस तरह का सेटअप लगाया था मदारी पे। बर्डन से हमें शुरू से पता थी कि इस इवेंट में थोड़ी सी होंगी, बट हमने अल्लाह का नाम लिया और कहा कि भाई इवेंट तो करना है, क्योंकि इसकी तैयारियाँ एक महीने से चल रही होती हैं और अच्छे खासे लोग भी बुक थे, और एक ऐसे टाइम पे इवेंट कैंसिल करना कि सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से हर्डल्स आए रास्ते में, हमें 5-6 घंटे एक जगह पर रुकना पड़ा और उसकी वजह से ट्रैफिक भी था, बट अल्लाह का शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, पहुँच गए, लेट पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई। बट जब कल जो हमने मुश्किल देखी, हालाँकि मेरा पैर जो है फ्रैक्चर्ड था और उसमें मैं भाग रहा था इस तरफ के रोड खुले या उस तरफ रोड खुले, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जैसे ही रोड खुला तो एक ऐसी खुशी की लहर थी, क्लाइंट्स तो खुश हुए ही हुए क्योंकि उन्होंने एक पूरा दिन बहुत मुश्किल काटा हमारे साथ बेर किया, बट जब ये रोड खुलने की खबर आई है ना, तो पूरे दिन की खोई हुई हंसी जो चेहरे पर आई है वो अल्फाजों में बयान करना मुश्किल है। बड़े चैलेंजेस आए रोड्स के रिगार्डिंग और बहुत से ऑपरेशनल चैलेंजेस, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सक्सेसफुल इवेंट ट्रिप कराया, लेट हो गए बट चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छी हो गई। यार मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी इस ट्रिप में, मतलब एक होता है ना नॉन बंदे इतने सारे, मैं किसी को नहीं जानता यहाँ पे, सिर्फ एक जाफर भाई और 2-3 लोगों को, लेकिन जब बैठे साथ में तो एक लाइक फैमिली लगी, सब लोग बैठे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है 5 साल से साथ हैं भाई, 5 साल से करते हुए आ रहे, तो वो जो मुश्किलें जो हमें आई, जो सारे सीन मंजन हुए, तो उस निकल गया, मतलब टाइम पास हो गया। और बाकी जाफर भाई में इतनी एनर्जी, हमने बोला वहाँ सारा रिकवर हो गया हमारा। मेरा फर्स्ट ट्रिप था इवेंटिका के साथ, और फर्स्ट ट्रिप था मदारी में, तो बहुत ही एक क्रेजी इवेंट गया। हाँ वो अलग सीन है कि कल रात को बहुत मसले हुए थे, लेकिन जाफर भाई ने गेम चेंज कर दिया था जब हम लोग यहाँ पर आए थे, एंड वन ऑफ द नाइसेस्ट पर्सन मैं कहूँगा जिनसे मैं मिला हूँ अभी तक, तो उन्होंने प्रॉपर सीन ऑन कर दिया था रात में। हाँ जी, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम पहले प्रिंस ऑफ होप जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर विंदर पर लंच करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे कराची के लिए। जब तक आप प्रिंस ऑफ होप के नज़ारे इंजॉय करें, मैं आता हूँ आपके पास वापस। ओके, तो हम पहुँच गए हैं प्रिंस ऑफ होप, ठीक है, अब सब लोग ऊपर गए, ठीक है, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने हैं, वीडियोज़ वगैरह बनवाने हैं, और यहाँ पर हमारी बसेज हैं, ठीक है, और लेट मी शो यू, दिस इज प्रिंसेस ऑफ होप। ये देखिए फाशी भाई ऐसे क्या फोटो डालते हैं, वी आर एट विंदर, अभी हम लंच करेंगे, ठीक है, सारे क्लाइंट्स बैठ गए हैं हमारे, और यहाँ पर लंच होगा, ठीक है, लंच में होगी कढ़ाई, वाइट कढ़ाई,
तो सब वो खाएंगे, उसके बाद हम फिर कराची के लिए निकलेंगे। ये ट्रिप्स तो हर कोई करवा लेता है, बट दास्तान मदारी दिस इज समथिंग एल्स। लाइक ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना, ऐसी वाइब क्रिएट करना, और न्यू लोगों से मिलना, न्यू दोस्तियाँ बनाना, और वो पल याद करना जिसमें हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था और बहुत मुश्किलें भी फेस की थी, बट समहाउ वी मेड इट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप सब ने करना है ओके, थोड़ा जोर से, तो आप लोगों ने कहना है ज़रूर, ठीक है, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हाँ तो फिर नेक्स्ट ईयर आप लोग दास्तान मदारी पे आ रहे हैं, इतना एनर्जी लो ज़रूर। तो बोलो बोलो जो आप बोल रहे थे भी, तो मदारी वन में भी साथ थे, मदारी टू में भी, और मदारी फाइव में भी, और आगे भी जब जब मदारी होगा हम जाफर भाई के साथ होंगे जरूर। जय मदारी, जय गुरु।